मुरादाबाद जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई गई। नमाज के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पूर्व शुक्रवार की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों के चलते अव्यवस्था फैल गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम अगले जुमे के लिए किए थे। पिछले सप्ताह शांतिपूर्ण माहौल में जुमे की नमाज संपन्न होने के बाद आज भी जुमे की नमाज के मद्देनजर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट महेंद्रपाल सिंह के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। जुमे की नमाज संपन्न होने के बाद एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा ने बताया, जैसे सामान्य तौर पे होती है, मजिस्ट्रेट्स तैनात थे, पुलिस तैनात थी। पिछला फ्राइडे भी हमारा शांति से गया, ये भी जुमा शांति से गया। मुझे लगता है कि अब माहौल सब कुछ सामान्य हो चुका है, अब शायद सभी लोग शांति से। जुमे की नमाज के मद्देनजर पुलिस के साथ नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयंसेवकों की ड्यूटी भी लगाई गई थी, जहां पर भारी संख्या में नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयंसेवक अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे थे। इस दौरान चीफ वार्डन हाजी नजमुल इस्लाम एडवोकेट ने बताया कि नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयंसेवक हमेशा प्रशासन के सहयोग के लिए काम करते हैं। आज जुमे की नमाज के मद्देनजर मुरादाबाद शहर की सभी मस्जिदों के आसपास नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयंसेवक अपना सहयोग देते नजर आ रहे थे। जैसा कि आपको पिछले दिनों में याद होगा कि पिछले जुमे के दिन जो सिविल डिफेंस के जो हमारे स्क्वाडर्स थे, उन्होंने सब पूरी व्यवस्था संभाल रखी थी और बहुत अच्छी तरह से हुआ। उसी का अपेक्षा अपर जिलाधिकारी निगर ने आज सभी सिविल डिफेंस के वार्डन की उसी हिसाब से ड्यूटी लगाई थी जो पिछली बार ड्यूटी लगाई थी। उसी में सारे वार्डन्स अपनी अपनी जगह मुस्तैदी में तैनात रहे और बहुत अच्छी तरह से आज का जुमे की नमाज बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अदा हुई।